गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्णा सिस्टम वर्ड व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर थ्री में आपके है किंचित, किंचित कास्ट एंड क्लास। किंचित कास्ट एंड क्लास में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वर्णा सिस्टम। आप लोग क्लास सिक्स में भी पढ़े होंगे, सेवन में भी पढ़े होंगे और नाइन टेन में भी पढ़े हैं। तो हमारा है वर्णा सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्ण व्यवस्था। वर्णा सिस्टम वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था का जहां तक प्रसंग है, ये ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्णित है, जहाँ ये कहा गया है कि समाज में विभाजित जो चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनका जो आपको सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो मिलता है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। ये चार वर्ण कौन है पहले हम ये देख लेते हैं। और इन चार वर्णों के अलग अलग जो है कार्य भी वर्णित किए गए हैं। पहला जो हमारा वर्ण है वह है ब्राह्मिन्स। ब्राह्मिन्स यानी ब्राह्मण वर्ग। दूसरा क्षत्रिय। तीसरा जो वर्ण है वह है वैश्य। और हमारा फोर्थ जो वर्ण है वह है शूद्राज। क्लियर। इस चैप्टर में जो हम चार वर्ण के बारे में पढ़ रहे हैं, ब्राह्मण, ब्राह्मिन्स, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसका उल्लेख विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में यथा इसका आपको वर्णन मिलेगा। और इन वर्णों के अलग अलग कार्य भी निर्धारित किए गए हैं। हिंदी वाले बच्चे ध्यान देंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्र। हमने यहां बताया कि पुरुष सूक्त सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। इन सब का जो हमें वर्णन मिलता है, ये मिलता है हमें पुरुष सूक्त। इसका हमें जो वर्णन मिलता है वह ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्णन मिलता है, जहां ये कहा गया है कि इन चार वर्णों की उत्पत्ति, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, इन चार वर्णों की उत्पत्ति किसके द्वारा की गई है? ब्रह्मा जी के द्वारा। और उसमें यह बाकायदा मेंशन किया गया है इस पुरुष सूक्त के अनुसार, इस ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से, क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की भुजाओं से, वैश्य की उत्पत्ति उनके जंघेदाई से, और शूद्र की उत्पत्ति फीट यानी उनके पैर से हुई है। अब बच्चों प्रश्न ये उठता है कि क्या यह जो चार वर्णों का ये विभाजन है, क्या यह विभाजन सर्वमान्य था, यूनिवर्सल था, या यूनिवर्सली एक्सेप्टेड था, अथवा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड था या नहीं था, या फिर इस वर्ड सिस्टम को जस्टिफाई करने के लिए वो लोग क्या क्या चीज़ें करते थे। तो पहली बात है कि इस वर्ड सिस्टम को जस्टिफाई करने के लिए
पहले जो थ्योरी दे देते हैं वह देते हैं डिवाइन थ्योरी। डिवाइन थ्योरी इंफ्लुएंस, जिसके माध्यम से यह बताने का प्रयास करते हैं कि ये जो वर्ल्ड सिस्टम है या वर्ल्ड व्यवस्था है, इसकी उत्पत्ति ईश्वर ने की है। ऐसा क्यों कहते थे? वर्ल्ड व्यवस्था डिवाइन थ्योरी, जैसे मैंने बताया कि इसको बाकायदा पुरुष सूक्त में मेंशन किया गया है कि वर्ल्ड व्यवस्था को बनाने वाले कौन हैं? ईश्वर, स्वयं ब्रह्मा जी हैं। और जब डिवाइन थ्योरी को हम पुरुष सूक्त के माध्यम से यह सिद्ध कर देते हैं कि इस वर्ल्ड व्यवस्था को किसने बनाया है? ईश्वर ने। जब ईश्वर ने बनाया है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, जिस चीज को ईश्वर ने बनाया है उस पर हम डिबेट नहीं करेंगे। और जो माना गया कि ब्राह्मण का काम क्या है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उनके अनुसार जो निर्धारित किया गया है वो सारे कार्य करेंगे। दूसरी बात है, ये भी उम्मीद की गई यह है कि ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चार वर्णों का विभाजन किया गया है, इसमें ये कहा गया है कि जो राजा होगा वह इन चार वर्णों का पालन करेगा और अपने क्षेत्र में इसको अपनी प्रजा पर भी लागू करेगा। इससे पहले थोड़ा सा हम और क्लियर कर लेते हैं कि इन चार वर्णों में हर एक वर्ण के काम क्या क्या हैं। ब्राह्मण वर्ग, जैसे कि हम सभी जाते हैं ब्राह्मण वर्ग, इन्हीं वह वेदों को पढ़ाएगा, यज्ञ करेगा, भिक्षा लेगा इत्यादि। यहाँ ब्राह्मण वर्ग के साथ श्रेष्ठता का सिद्धांत जुड़ा हुआ है। और जैसे कि हमारे मस्तिष्क या सिर की सबसे ज्यादा प्रधानता होती है, और पुरुष सूक्त में इस बात को लिखा भी गया है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से अर्थात सिर वाले हिस्से से हुई है। और हमेशा जो हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में सिर ही सबसे प्रधान होता है, इसकी श्रेष्ठता होती है। उसी प्रकार से सिद्ध किया गया है कि यह ब्राह्मण वर्ग या ब्राह्मण ब्राह्मण्स की श्रेष्ठता होगी। दूसरा, पुरुष सूक्त में जैसे मैंने बताया कि क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की भुजाओं से हुई है, सामान्य सी बात है कि हम अपने अधिकतर कार्य किससे करते हैं? इन भुजाओं से करते हैं। यानी जहां पर भी बल का प्रयोग होगा वह कौन कार्य करेगा? क्षत्रिय। इसीलिए अब आप क्षत्रिय के कार्यों पे आ जाइए, तो अगर क्षत्रिय के कार्य की बात करें तो क्षत्रिय जो है यज्ञ करेगा, ये वीर या योद्धा होंगे, ये राजा बनेंगे, ये देश की सेवा करेंगे। तीसरा, वैश्य, जो वैश्य वर्ग होगा, यह वैश्य वर्ग का प्रमुख कार्य व्यापार करना, पशुपालन, ट्रेड, बिजनेस, ये सारा कार्य हो गया वैश्य का। चौथा जो हमारा वर्ड है यह है शूद्र। शूद्र का काम इन तीन वर्णों की सेवा करना। यहाँ ध्यान दीजिए, इस बात को बाकायदा मेंशन किया गया है कि शूद्र ना तो वेद पढ़ेगा ना पढ़ाएगा, जबकि यह ब्राह्मण वर्ग वेद पढ़ेगा भी पढ़ाएगा, दूसरा वर्ग वेद पढ़ सकता है पढ़ा नहीं सकता है यानी क्षत्रिय, तीसरा वर्ग यह भी जो है वेद का अध्ययन कर सकता है, लेकिन जो चतुर्थ वर्ग शूद्राज है यानी शूद्र है वह ना तो वेद पढ़ेगा और ना ही वेद पढ़ाएगा। इसका प्रमुख सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्य है, वह इन तीन वर्णों की सेवा करेगा। यानी वह वर्ण जो है शूद्र वर्ण जो है सेवक के रूप में कार्य करेगा। क्लियर? आप सब छोटी कक्षाओं में भी पढ़े होंगे वर्ण सिस्टम के बारे में, हर जगह कुछ ना कुछ सोशल स्टडीज में भी इसका उल्लेख किया गया है। अब अगला हमारा ये टॉपिक आता है कि क्या ये वर्णा सिस्टम
यहाँ जैसे मैंने कहा कि वर्णाश्रम सिस्टम का पहली बात है कि ब्राह्मिन्स वर्ग इसको जस्टिफाई करने के लिए कहते हैं कि दे गेव द थ्योरी ऑफ डिवाइन थ्योरी, डिवाइन थ्योरी इन सेंस, तो इसको प्रूव करते हैं कि इस वर्ड की उत्पत्ति या वर्ड सिस्टम की उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मा जी ने किया है। जब स्वयं ब्रह्मा जी ने किया है तो इसका मतलब कि वर्णाश्रम सिस्टम को हमें पालन करना चाहिए, और ये भी उम्मीद किए हैं कि राजा जो है अपने क्षेत्र में इस वर्ण व्यवस्था को लागू करेगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या यह वर्ण व्यवस्था यूनिवर्सल थी, इसका कम्प्लीटली फॉलो होता था कि नहीं होता था। आप सब बहुत से एग्जाम्पल पढ़े होंगे, जहाँ देखे होंगे कि आपके बुक में भी दिया है कि नान क्षत्रिय किंग नान क्षत्रिय किंग नहीं गैर क्षत्रिय राजा, इसके बहुत से एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। हालांकि पुरुष सूक्त के अनुसार कहा गया है कि राजा कौन होगा, क्षत्रिय होगा, लेकिन आपको बहुत से ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जहां पर गैर क्षत्रिय लोग भी राजा हुए हैं। और उसका सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल मौर्यन डायनेस्टी है, जो कि आप लोग चैप्टर नंबर 2 में भी जिसके बारे में पढ़ चुके हैं। मौर्य शासक, उनके बारे में कहा गया है कि वे निम्न जात के थे, लोअर कास्ट, दे बिलोंग टू लोअर कास्ट। और आपको सातवाहना रूलर के भी एग्जाम्पल मिलेंगे, सुंग के भी एग्जाम्पल मिलेंगे, या सो मैनी एग्जाम्पल सर कि जहाँ गैर क्षत्रिय भी राजा बने हैं। इससे हमें यह प्रूव होता है कि जो वर्णाश्रम सिस्टम था दैट वॉज नॉट यूनिवर्सल, वह यूनिवर्सल नहीं था, उसको कम्प्लीटली जो है हर तरीके से हर जगह हर क्षेत्र में फॉलो नहीं किया जाता था। इसके अलावा इसी टॉपिक में हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और आ जाता है, इसी का सब टॉपिक, वह है बियॉन्ड 4 वर्णाज। बियॉन्ड 4 वर्णाज यानी इन 4 वर्णों से परे। अब बच्चों में ये ध्यान देना है कि हमने यहाँ जो 4 वर्ण देखे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, प्राय बच्चे भूल कर देते हैं, वो शूद्र को ये मान लेते हैं कि ये शूद्र जो होते थे अनटचेबल थे, एकदम रॉन्ग है। शूद्र अनटचेबल नहीं थे, अगर जो सेक्शन या जो वर्ग या जो सोसाइटी अनटचेबल होगी तो वह जो है कैसे 3 वर्णों की सेवा कर सकती है। ये शूद्र अनटचेबल नहीं थे, बल्कि अनटचेबल यानी अछूत जिसको बोला गया है, या निम्न जाति का, जैसे कि उस समय गांव में जानवरों को उठाने वाले या शवों को जलाने वाले लोग थे, ये इन 4 वर्णों से परे थे। बियॉन्ड द 4 वर्णास दे वेयर कॉल्ड अनटचेबल। अनटचेबल यानी जिसको कहा गया है अछूत। अछूत अनटचेबल। इन अनटचेबल यानी अछूत के बारे में आपको मनुस्मृति में बाकायदा अच्छे से वर्णन किया गया है। यह जो अनटचेबल होगा
ध्यान दीजिए बच्चों, ये हम मैं मेन स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ, ये मैं मेन एरिया की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र मिलेंगे। इसी समाज में अनटचेबल लोग भी होते थे जो प्रायः गांव के बाहर एक किनारे पर उनका घर होता था। उनका प्रमुख कार्य शवों को जलाना, मरे हुए जानवरों को ले जाना और इनके लिए मनुस्मृति जिसकी रचना 200 BCE में के लगभग हुई है उसमें इस बात को बाकायदा वर्णित किया गया है कि यह जो अनटचेबल वर्ग होगा, ये जब भी ये लोग रास्ते से चलने लगते थे तो ड्रम या ढोल पीट कर निकलते थे ताकि लोग रास्ते से बगल हो जाएं और इनको कोई टच या छुए ना। बच्चों एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, आज हम लोग आज के जिस समाज में रह रहे हैं यहाँ पे अनटचेबिलिटी को टोटली प्रोहिबिटेड किया गया है। आर्टिकल 18 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 18 है वो पूरी तरह से अनटचेबिलिटी प्रोहिबिटेड टू अनटचेबिलिटी छुआछूत को समाप्त करता है। एक चीज और भी है, ये बियॉन्ड 4 वर्णास से में एक तो अनटचेबल सेक्शन था और एक दूसरा हमारा था फॉरेस्ट सोसाइटी। फॉरेस्ट सोसाइटी यानी जो जंगल में रहने वाले लोगों का समाज था वो भी इन वर्णों से परे था। आपने रामायण में भी देखा होगा निषाद राज, उनका एक अपना अलग ही पूरा साम्राज्य था, राज्य था। ये इनमें ये वर्ण व्यवस्था नहीं थी बल्कि फॉरेस्ट सोसाइटी में रहने वाले ट्राइबल कम्युनिटीज का एक अपना अलग सिस्टम होता था और उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग उनकी सोसाइटी जो है रन करती थी। यानी वहाँ पे इन चार वर्णों का पालन नहीं होता था। बच्चों आज के लिए इतना ही, एक इस पे आप लोग होमवर्क नोट करें। राइट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ वर्णाज, यानी वर्ण व्यवस्था के अलग अलग जो क्षेत्र हैं, वर्ण भाग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, उन सब के कार्यों को अलग अलग तरीके से मेंशन करें। थैंक यू।